अयोध्या जनपद में पूर्व में हुई बारिश से जगह जगह हुए जल भराव से जिले में मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन दिनों जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर संक्रामक रोगों की चपेट में आए मरीजों से भरा पड़ा है। इन रोगों के मरीजों से अस्पताल के वार्ड फुल हो चुके हैं। खासकर डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या 200 से ऊपर हो गई है। जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड के सभी 56 बेड व जनरल वार्ड के सभी 16 बेड पर अधिकांश मरीज डेंगू, टाइफाइड, उल्टी, दस्त से पीड़ित मरीजों से भरा हुआ है। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर CVN त्रिपाठी ने बताया है कि अब तक जिला अस्पताल में 65 डेंगू के मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें 5 से अधिक अभी भी भर्ती है, बाकी को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज भर्ती हो रहे हैं। बेड खाली तो है, सब में पेशेंट है कि खाली भी है बेड? दवाई वही टाइम से कितनी प्लेटलेट है थी पहले और अब कितनी है? 90,000। हमारे यहाँ अब तक जो है 64 मरीज भर्ती हुए हैं। 64 मरीज में 5 मरीज इस समय भर्ती हैं और शेष सबको डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1 या 2 केस यहाँ से रिफर हुए हैं, बाकी सबको इलाज किया जा रहा है, सबको प्लेटलेट दिया जा रहा है, सबको दवाएं दी जा रही हैं, सबको फ्लूइड दिया जा रहा है। कोई समस्या नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया